हुकअप्स और फिलिंग्स के इस जमाने में अनवांटेड प्रेगनेंसी काफी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 21 साल की अनमैरिड लड़की ने अबॉर्शन के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने इस मामले को एम्स को देखने को कहा, जहां डॉक्टरों का कहना है कि लड़की की प्रेगनेंसी 29 हफ्ते की है, ऐसे में अबॉर्शन के बाद भी बच्चा जीवित रहेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत एम्स को सेफ डिलीवरी करने को कहा, साथ ही बच्चे को जन्म देने के बाद कारा को सौंपने की इजाजत तक दी है, ताकि कोई कपल उस बच्चे को गोद ले सके। अनसेफ सेक्स के सबसे ज्यादा मामले वैलेंटाइन डे के टाइम सामने आते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 12 करोड़ 10 लाख फीमेल बिना प्लानिंग प्रेग्नेंट होती हैं। तो आज बात अनसेफ सेक्स और अनवांटेड प्रेगनेंसी पर। फिजिकल रिलेशन बनाते टाइम प्रिकॉशन यूज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अनसेफ सेक्स करने पर HIV, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी जैसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अनसेफ सेक्स से न सिर्फ प्रेगनेंसी के चांस होते हैं, बल्कि इससे महिलाओं की फर्टिलिटी पर भी असर पड़ता है। फीमेल की बॉडी में फेलोपियन ट्यूब के जरिए एग्स ओवरी से यूट्रस तक जाते हैं। इस ट्यूब के संक्रमित हो जाने पर ट्यूबुलर इन्फेक्शन और इनफर्टिलिटी का रिस्क भी बढ़ता है। तो वहीं अगर हर तरह के प्रिकॉशन के बावजूद महिला को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो सबसे पहले ऐसे में प्रेगनेंसी टेस्ट कराएं जिसका रिजल्ट एक्यूरेट हो। प्रेगनेंसी श्योर ना होने पर घबराए नहीं, पार्टनर से बात करें, अगर अंडर एज है तो पेरेंट्स से बात करें और डॉक्टर की सलाह पर ही आगे का काम करें। कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बिना डॉक्टर की सलाह ना लें। मेडिकली अनक्वालिफाइड दाई या नर्स से अबॉर्शन ना कराएं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अनुसार अबॉर्शन की गोलियों को डॉक्टर के लिखे पर्चे के बिना बेचना जुर्म है। UN के डेटा के अनुसार 67% महिलाओं की जान अनसेफ अबॉर्शन की वजह से जाती है। भारत में हर रोज अबॉर्शन की वजह से करीब 8 महिलाओं की मौत हो जाती है। अनवांटेड प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा रीजन कॉन्डम यूज नहीं करना है। कई शादीशुदा महिलाओं का कहना है कि उनके पति कॉन्डम यूज करना ही नहीं चाहते हैं। रिसर्च के हिसाब से पुरुषों को कॉन्डम का इस्तेमाल इसलिए नहीं पसंद, क्योंकि वो कॉन्डम की वजह से इंटीमेसी को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक फैमिली प्लानिंग करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। 10 में से 4 महिलाएं अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए नसबंदी करवाती हैं, जबकि नसबंदी कराने वाले पुरुषों की संख्या ना के बराबर है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में अलग अलग कंडीशन में अबॉर्शन कराने का जिक्र है, जैसे कि जब प्रेगनेंसी की वजह से महिला की जान को खतरा हो, बच्चे के विकलांग पैदा होने की आशंका हो, महिला मानसिक या शारीरिक तौर पर सक्षम ना हो, महिला रेप की वजह से प्रेग्नेंट हुई हो, या फिर नाबालिग अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे अबॉर्शन कराने का हक है। इसके अलावा ऐसे रिश्ते जिन्हें सामाजिक और कानूनी मान्यता नहीं है, अगर ऐसे रिश्तेदार महिला के साथ रिलेशन बनाते हैं तो अबॉर्शन करवाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के लिए सबसे प्रेफरेबल गर्भ निरोधक कॉन्डम ही है। ऐसे में कॉन्डम का यूज करते टाइम इन बातों का ध्यान रखें, जैसे कि कॉन्डम के पैकेट पर दिए गए इंस्ट्रक्शन को सही ढंग से पढ़ें, एक्सपायर कॉन्डम यूज ना करें, महिला और पुरुष एक साथ कॉन्डम यूज ना करें, कॉन्डम का पैकेट खोलने से पहले हाथ जरूर धोएं और इसे सही तरह से डिस्पोज करें। साथ ही फिजिकल बैरियर मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंट्रायूट्राइन डिवाइस कॉपर्टी जैसे प्रिकॉशन का यूज ठीक तरह से किया जाए तो भी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तो वहीं आजकल की जनरेशन मल्टीपल पार्टनर्स के साथ फिजिकल इंटीमेसी रखना पसंद करती है, जिसके चलते भी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए फिजिकल इंटीमेसी के दौरान प्रिकॉशन का ध्यान जरूर रखें।